जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी को पता है, 11 मई से 17 मई तक वेस्ट बंगाल के आसनसोल शहर में पूजनीय श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा होने वाला है। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वह कथा कहाँ होने वाला है और उस कथा कितने बजे से कितने बजे तक होने वाला है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए आपको इस वीडियो के माध्यम से उस कथा स्थान पर लेकर चलते हैं और उस प्रेम भरी गंगा में डुबकी लगाने का आनंद लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को किसी भी माध्यम से जुबली पेट्रोल पंप चले जाना है। जुबली पेट्रोल पंप है सेंट्रल रोड में गोविंदपुर के पास। आसनसोल रेलवे स्टेशन से कथा स्थान की दूरी है 7.5 किलोमीटर और जुबली पेट्रोल पंप से उस स्थान की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर। तो यही है जुबली पेट्रोल पंप। अभी हम लोग आ चुके हैं जुबली पेट्रोल पंप। इसके सामने देखिए आई लव आसनसोल का बोर्ड भी लगा हुआ है। यह है ओवर ब्रिज। आप हम सभी को इसी ओवर ब्रिज के नीचे से जाना है। जुबली पेट्रोल पंप से उस कथा पंडाल की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है और अगर आप पैदल आते हो या फिर साइकिल से आते हो तो एक शॉर्टकट है जहां से केवल 1 किलोमीटर पड़ेगा। पंडाल तक जाने का एक शॉर्टकट है, आपको रॉन्ग साइड जाना होगा। देखिए यहां पर बोर्ड वगैरह भी नजर आ जाएगा आपको। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं एंट्री गेट के ठीक सामने, देख सकते हैं पीछे में। यही है पंडाल की ओर जाने का रास्ता, एंट्री गेट। एंट्री गेट के ऊपर लिखा हुआ स्थान का नाम कन्यापुर हाई स्कूल संलग्न ज्योति जिम के सामने। और कथा प्रारंभ होने का समय भी ऊपर में लिखा हुआ है, 5 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। लेकिन आसनसोल में गर्मी ज़्यादा होने के कारण कथा का समय बदल कर 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक कर दिया गया है। यहाँ से कथा पंडाल केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए फटाफट चलते हैं पंडाल के अंदर। आइए और निरंतर सेवा कार्य करने का अवसर अगर प्राप्त हो रहा है तो इसमें जुड़ा जाए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कथा पंडाल की ओर। देख सकते हैं कितना बड़ा भव्य कथा पंडाल बनाया गया है। अभी लोग धीरे धीरे यहाँ पर जमा हो रहे हैं। बिहारी जी की कृपा से आसनसोल की पावन धरती पर यहाँ बिहारी जी ने भेजा है कि जाओ यहाँ के भक्तों को भी कथा सुनाकर और उनके हृदय में भी भक्ति का दीपक जलाओ। तब आप सबके हृदय में भक्ति का दीपक जल तो रहा ही है। हम तो सत्संग का तेल डालने आए हैं कि ये दीपक बुझ ना जाए। इस कथा केवल अपना नहीं, अपने क्षेत्र का नहीं, आज यहाँ पर दूर दूर से भक्त जन आए हैं और सब लोग कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भागवत जी की पावन कथा हम सब सुन रहे हैं। कथा हमें क्या सिखाती है, क्या मैसेज देती है, वो इन 7 दिनों में हम सब लोग सीखेंगे। प्रिय भक्तों, भागवत एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000, 335 अध्याय। और आज ये भागवत जन जन तक पहुंच रही है, सब तक पहुंच रही है। ये वही परंपरागत भागवत जी है जो भगवान नारायण से स्टार्ट, जो ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, और वही ज्ञान आज आप तक पहुंचने के लिए आज हमें आसनसोल की पावन धरती पर बुलाया गया है। और बिहारी जी की कृपा और प्रेरणा से आप सबको टूटी फूटी वाणी से भगवान की सेवा जो बनेगी आप सब श्रवण कर पाएंगे। जय हो प्रभु, जय हो।
सच्चिदानंद रूपाय। बोलिए मेरे संग, सच्चिदानंद रूपाय। थोड़ा जोर से बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। ईश्वर को आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखने वालों की संख्या यहां ज्यादा है, देखने वालों की संख्या कम है। आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, आप लोग मंदिर तो जाते होंगे, हाँ या ना उत्तर दीजिए। तो आप मंदिर जाते हैं तो किसे देखने के लिए जाते हैं? अभी तो आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा और आप मंदिर भी जाते हैं, तो जरा बताओ कि आप मंदिर किसे देखने के लिए जाते हैं? भगवान को। तो आप तो कह रहे हैं हमने भगवान को देखा ही। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान को देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। तो फिर अभी क्यों कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा? इसका मतलब यह है कि आप सब लोगों ने भगवान को देखा, लेकिन आपकी खोपड़ी में, खोपड़ी मीन्स मस्तिष्क, ये भेजा आपकी खोपड़ी में ये घुसा है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है, ये तो पीतल की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है। आपने ईश्वर को पत्थर के रूप में देखा है, आपने ईश्वर को धातु के रूप में देखा है। क्यों देखा आपने? जबकि आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में जो विग्रह है आप कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है। ना जी, भगवान पत्थर के नहीं होते, भगवान धातु के नहीं होते, और भगवान मंदिर में भी नहीं होते। भगवान कहां होते हैं? अच्छा उन्हीं का डायरेक्ट यूट्यूब में चल रहा ना? चलिए सही है, हम लोग भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे
लेकिन उन्होंने कृष्ण को अपना बेटा बनाया।
यहाँ भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है प्रसाद लेने के लिए। आप लोग भी यहाँ पर आए और यहाँ का प्रसाद ग्रहण जरूर करें। Oh.
भक्तों, आज का कथा कार्यक्रम यहीं पर आरंभ हुआ और जैसे कि आचार्य जी ने कहा, कल से कथा हर दिन शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक होगी। तो आप लोग इस कथा में जरूर आइए,